वो कहते हैं कि हम किसान हैं और हम किसी पार्टी संबंधित नहीं हैं, तो एलनाबाद में किसान मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारे, और मैं चैलेंज करता हूँ, जमानत जब्त होगी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एलनाबाद में ये जो आज शोर मचा रहे हैं ना, ये जनप्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं, उपचुनाव है एलनाबाद में, ये एलनाबाद उपचुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारे और सारे किसान उसको वोट दें, आपके सामने सारी तस्वीर आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी में। जो लोग ये कहते हैं हम गांव में नहीं घुसने देंगे, मैं तो उन सबसे अपील करता हूँ कि आप छोड़ो सबको, अपना उम्मीदवार उतारो और जिताओ उसको, मैं स्वागत करूँगा आपकी पहल का, लेकिन आपकी मंशा राजनीति करने की है, आपकी मंशा ताकत के सरकार के अंदर जाने की या ताकत के अंदर जाने की नहीं है, आपकी मंशा कानून को बदलने की नहीं है, आपकी मंशा है पॉलिटिक्स करने की। तो आपके माध्यम से तमाम सरसा जिले के जो किसान जथेबंदी है, जो आगे होके धरनों में आगे आ रही है, मेरी विनम्र विनती है कि मैं सबसे पहला वोट अपना उसको डालूंगा, ये संयुक्त मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारे और गांव गांव के जो किसान, क्योंकि इलाहाबाद में तो किसान बसते हैं हर गांव के अंदर, और सारे इलाहाबाद के किसान उस संयुक्त मोर्चा जो किसान मोर्चा का कैंडिडेट है उसको वोट दें, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को, फिर पता को भी पता लगेगा। देखिए मैं किसी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं कह रहा, और ना मुझे पता कि विधानसभा में कौन क्या बोल रहा है, मेरा उनसे कोई सरोकार और संपर्क नहीं है। मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि अगर वो ये कहते हैं कि हम JJP BJP सरकार का विरोध करेंगे और जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं उनका विरोध करेंगे, तो बेसिकली वो विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? अगर वो किसान हैं और वो कहते हैं कि हम किसान हैं, राजनीतिक पार्टियों से दूर हैं, क्योंकि जो मूवमेंट चल रही है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर की हो, सिंधु बॉर्डर हो, कहीं हो, उस मूवमेंट के अंदर कोई पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने स्टेज पे नहीं आने दिया। अब एलनाबाद के उपचुनाव में ये सारे किसान इकट्ठे हों, अपना नुमाइंदा उतारें और सब मिलके उसको जिताएं, अपने नुमाइंदे को जिताएं, किसी पार्टी के नेता के पीछे ना लगे, फिर पता लगेगा ये सच्चे किसान हैं, असली किसान है कि नकली है। उनके अंदर बोर्ड लगा लिए कि नहीं घुसने देंगे, तो किसी को ना घुसने दो, अपना वोट किसान को डालो, ना कि कोई किसान का मसीहा बने के घूमे कि मैंने किसान के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया किसी ने, सब लोगों ने अपने घर भरे हैं भाई।